एक मुलाकात में आपका अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती और एक आस, एक आस्था और एक विश्वास। इसके साथ हम शुरू करते हैं अच्छे दिन की शुरुआत। अच्छे दिन की बात करें तो बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपने शो के बारे में। एक मुलाकात में जैसा कि आपने देखा कि हम एवरी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे के शो में किसी एक ऐसी शख्सियत से को लेके आते हैं जो अपनी मेहनत से और बहुत ही मेहनत से अपनी मंजिल पर पहुंचे और कामयाबी की एक मिसाल है वो। तो चलिए आज हम आपको लेके जाएंगे, चलते हैं आपको लेके जाएंगे इंग्लैंड में, जहां पर एक ऐसे शख्स से हम आपकी रूबरू कराएंगे, आप शख्स से रूबरू कराएंगे। बहुत मज़ेदार हैं, मस्त हैं, आप भी मिलके बड़े खुश होंगे। कहते हैं जीवन है रब की सौगात, जीवन है रब की सौगात, किस्मतों से आप हमारे साथ, किस्मतों से आप हैं हमारे साथ। कुछ लोगों में होती है बड़ी अलग सी बात, कुछ लोगों में होती है बड़ी अलग सी बात, क्यों ना उनसे कर ली जाए एक मुलाकात। एक मुलाकात, तो इस एक मुलाकात के आपके शो में हम आपसे मिलवाते हैं सदा सुजीत सिंह पेंदर फ्रॉम लंदन। और सत श्री अकाल, नमस्कार। श्रीकाल जी, नमस्ते। ठीक कैसे हैं आप सिंह साहब? ठाक मंजू जी। सब पहले तो सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। इतनी दूर से आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर बुलाने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। एंड सो नाइस ऑफ यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए हैं सुजीत सिंह पेंदर जी से, लंदन से। सिंह साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें, आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे आपका लंदन आना हुआ और कितने साल से हैं आप, और आपकी जर्नी जो है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। लंबा सफर मेरी जो पैदाइश है अपने मंजी वो पंजाब से है, जलंधर में, क्योंकि जी मेरे पिताजी वैसे पीछे से लुधियाने के पास हमारा गांव है राणा जी साहब, मेरे जी पिता मिलिट्री में थे, जब वो रिटायर हुए तो जलंधर में सेटल हो गए। वहाँ जी उन्होंने छोटा सा बिजनेस कारोबार अपना खोला, तो जी वहीं अपने स्कूलिंग की मैंने। हम जी तीन भाई हैं, दो बहनें हैं, जी तो बेसिकली जिमीदार हैं पीछे से। तो जी बाकी आप जो कि ये फिल्मों में आने का अगर पूछना चाहते हो। वो उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगी, पर पहले आप मुझे जलंधर से लंदन तक की जर्नी के बारे में बताइए कि आप यहाँ आए और स्कूलिंग की, क्या आपने कौन कौन से स्कूल में गए और 1968 में मैं आ गया था, मेरी उम्र कुछ 14 साल की उम्र थी मेरी। तो जी। यहाँ जब आए तो ऑब्वियसली स्कूलिंग भी की यहाँ पर, जी और यहाँ जब आए थे तो सब बहुत हार्ड काम था, यानी कि सबके लिए मेहनत था कि सेटल होना, क्योंकि जी इंडिया से तो इतने पैसे लेकर आप आ नहीं सकते थे, जो भी आए वो छोटी सी रकम लेके आए जी अपना। तो जब आया तो मेरे फादर भी काम कर रहे थे, तो मैंने देखा भाई यहाँ तो इंडिया वाली लाइफ नहीं है सब अपना काम करना चाहिए, यानी कि पेरेंट्स भी काम करने, मदर भी काम करने ढूंढने के लिए चली गई। तो जी मैंने भी बस ये सोचा कि ये मतलब स्कूलिंग भी की और मैंने काम भी किया, मतलब वीकेंड पर, तो मैं जी ताकि पेरेंट्स के ऊपर लाइबिलिटी है वो कम से कम हो। जी तो तो मैंने, आप सबसे बड़े हैं या आप सबसे छोटे हैं? नहीं जी, मैं तीसरे नंबर पर हूँ, मेरी बहनें तीसरे। दो बड़ी बहनें हैं, वो तीसरे नंबर पर हूँ, दो छोटे भाई हैं। अच्छा, तो फिर सभी काम करना शुरू हो गए यहाँ पर हाँ जी, क्योंकि जी। हाँ जी, मेन था और जब आए थे किराए 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 अपने घर किराए पर लिया था हमने, मेरे पेरेंट्स जी का घर, तो मतलब सब ये उम्मीद यही थी कि आशा ये थी कि पैसे कमाएं और अपना घर लें पहले, और जी फादर का भी यही था कि छोटे बच्चे हैं, अगर अपने घर लेंगे तो
और फ्रीडम होती है जन के बजाय के किराएदार पर रहे हैं। जी। तो फिर उसके बाद आप लव मैरिज या आप भी अरेंज मैरिज है, बच्चे आपके, और फिर कैसे कैसे अपना, किस स्कूल में, एक एजुकेशन के बारे में आप अपने बारे में बताइए थोड़ा बहुत। मुझे जी एजुकेशन ऐसी है कि यहाँ पर मुझे ना शौक था शुरू से ही, छोटे होते भी अपना काम करना, जी अपना बिजनेस खोलने की ज़्यादा तमन्ना थी कि बड़ा बिजनेसमैन बनना है, पैसे कमाने हैं, जी घर लेना है, गाड़ियाँ लेनी है जाने के। जो जी 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 स्कूलिंग की मैंने यहाँ तक अपने GCSE बोलते हैं जी मैथ और इंग्लिश में की, जी वो ज़्यादा जो ध्यान था वो कारोबार में था जाने की, अपना काम खोलना है मुझे। जी मैंने यहाँ मतलब फिर हमने लेडीज निटवेयर की मार्केटिंग मार्केट स्टॉल स्टार्ट किए करने। जी सैटरडे संडे हम लेडीज निटवेयर होलसेलर से लेते थे और जी जितनी लोकल मार्केट्स हैं साउथ हॉल में आसपास 5-10 मिनट में, तो वीकेंड में हम स्टॉल लगाया करते थे वहाँ। मेरे भाई दोनों अच्छा भाई साथ थे जाने के, तो जी मतलब उस वक्त वो छोटा छोटा शौक पड़ गया कि यस अपना मजा आने लग गया, बिजनेस भी अच्छा था, वीकेंड में कमाई भी अच्छी हो जाती थी। जी उसके बाद फिर सच पूछो आगे एजुकेशन का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। इट्स ओके। पहले जब हम लोग भी जब यहाँ आए थे तो यही सोचते थे कि पैसे बनाना चाहिए, है ना। जो एजुकेशन थी वो तो हो गई। और आपको जब आपने, आपके दिमाग में कैसा आया कि आपको ये काम करना है, कहाँ से किसी ने आपको गाइड किया कि आप ये कर सकते हैं? नहीं, बिजनेस तो मंजू जी शुरू से फादर का छोटा सा बिजनेस था हमारे जलंधर में भी, तो फार्मिंग भी थी और हमारे पास भैंसे भी रखी होती थी और ऑर्चर्ड थे फार्म वगैरह फ्रूट के, तो मतलब वहाँ भी उनके पास छोटे होते फादर की आदत होती पेरेंट्स की, साथ बच्चों को साथ लगा के रखो जाने के ताकि इनको भी शौक पड़े बिजनेस का। यानी तो छोटा सा इंस्टिंक्ट था वो दिमाग में कि जैसे पीछे से फादर की भी यही थी कि बेटे मेरे हैं थोड़ा बिजनेस कारोबार सीखें, बिजनेस सीखें जाने के, तो वो उनकी लगन दिल में मतलब रही हो। यहाँ भी मैंने भी अपना चालू कर दिया उसके हिसाब से। तो ये आपके बीच में कोई पर्सन था जिसने आपको बताया कि आप ये सामान यहाँ से लीजिए और यहाँ बेच दीजिए? नहीं ये ना बस सच बताऊं मैं ना साउथ हॉल मार्केट जो लगती थी, हम शॉपिंग करने के हर एक सैटरडे संडे जाते थे वहां पर, तो वहाँ दूसरों को देखते हुए यंगस्टर को अपने जो स्टॉल होल्डर थे जो कारोबार वो कर रहे थे, कोई फ्रूट बेच रहा था, कोई लूज मटेरियल, कोई कुछ कुछ, तो बस ऐसे ही दिमाग में पड़ गया कि इफ दे कैन डू जी इट आई कैन डू इट। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो आप शुरू से बिजनेस माइंडेड थे, तो फिर आप धीरे धीरे आप बढ़ते गए, तो उसके बाद फिर आपने कोई दुकान ली या शॉप ली, या कैसे मतलब आपने ये ट्रेडिंग को आगे बढ़ाया? ये जो मैंने अपना कारपेट का बिजनेस स्टार्ट किया ना, ये बहुत था, मैं जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मैंने अपना एक कारपेट वेयर हाउस था वहाँ, मुझे ना मैंने काम करना शुरू किया अकाउंट्स ऑफिस में एंड सेल्स मैन, तो मैंने वहाँ 3 साल काम किया मंजू जी। तो वो कोई मुझे नहीं था कि मैंने ये कारपेट बिजनेस करना खोलना है जाने के, बिल्कुल तो मैं स्टिल लेडीज की नेटवेयर और डिजाइनर शूज वगैरह मार्केट स्टॉल में लगाया करता था वीकेंड पर। तो आस्ता आस्ता मतलब जब 3 साल हो गए तो वो उन्होंने सोचा, वो मिस्टर हेड था अभी भी मैं नाम नहीं भूलता उसका, तो उन्होंने बोला कि हम रिटायर हो रहे हैं अभी, मेरा बेटा भी काम करना चाहता है ये कारपेट का, तो वो उन्होंने अपना वो बिजनेस बंद कर दिया। और मेरे में एकदम क्योंकि 3 साल जब काम किया था मुझे मालूम पड़ गया कि ये अच्छा बिजनेस है, तो मैंने नेटवेयर छोड़कर अपना कारपेट का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हाँ जी, तो मैंने एक छोटी सी दुकान ले ली, बहुत छोटी, जिधर मतलब साइज ऑफ ए रूम जाने के, तो वहाँ से मैंने फिर चालू किया और आई वॉज दी फर्स्ट इंडियन कह लो या एशिया कह लो जो इस बिजनेस में मैं पला कारपेट के बिजनेस में है। आप।
सो छोटी छोटी सी ट्रेडिंग से आप कारपेट के बिजनेस में आ गए और यू आर अ बिजनेस आइकॉन इन लंदन. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं सुरजीत सिंह पैंथर जी से फ्रॉम लंदन. कामयाबी के रास्ते बड़े मुश्किल होते हैं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है. तो इनसे हम जाइएगा नहीं, बहुत दिलचस्प बातें और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ इनसे हम सुनेंगे. कहानियाँ नहीं, रियल स्टोरी, राइट? तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं लंदन से बिजनेस आइकॉन सुरजीत सिंह पैंथर जी से. कहते एक बच्चा 14-15 साल का अपने सपनों को लेकर लंदन में आता और सोचता है कि बहुत अच्छा होगा, बड़ी जल्दी सारा कुछ पका पकाया मिल जाएगा. पर वो एक जो चीज होती है वो नहीं मिलती है. पर कहते हैं कि जो इंसान अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं. तो सुजीत जी, मुझे ये बताइए कि आपके लाइफ में कौन सा एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए प्रेरणा का सोत्र है और जो आपके, जिससे मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है? कोई ना कोई गुरु जरूर होता है जिसको हम, चाहे वो फादर फिगर हो, चाहे भाई का फिगर हो, चाहे दोस्त हो, जिसको हम ये सोचते हैं कि इसके कदमों पर तो हम चलेंगे ही चलेंगे. तो उसके बाद बहुत अच्छा सवाल पूछा है. वो है मेरे पिताजी, यानी कि जी जी क्योंकि उनको मैंने देखकर बहुत कुछ सीखा, जाने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है. क्योंकि वो इतने मेहनती थे कि मतलब वो अपने दिल से यही सोचते कि बच्चे, उनका एक ही शौक था कि बीइंग ए मिलिट्री, कि मेरा बच्चे कोई मिलिट्री में अफसर बने, कोई ये बने, कोई बड़ा बने, यानी कि ना हर एक माँ बाप का ये सपना होता है. और उनको देख देख के, मतलब उनको अपना अपने पर स्पेंड करने का इतना शौक शौक नहीं था जितना कि स्पेशली मेरे ऊपर जितना उनको शौक था कि ये लड़का, मुझे लगता है इसमें कुछ दम है और ये मेन है और हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहता है. जब भी मैं कोई काम करता हूँ बड़े ध्यान से दिखता है. तो सबसे, मैं तो अभी तक उनको मिस करता हूँ सब कुछ. तो जाने के तो एज ए यंग बॉय आप वहाँ लंदन में आए, मैंने देखा कि आपकी दो पिक्चर्स भी आई, कुछ लॉ और कानून के हिसाब से हम आप उनको दिखा नहीं सकते या वीडियो हमने आपकी नहीं डाल सकते. एक एक्टिंग का कीड़ा आपके दिमाग में कैसे आया? ये सच बताऊं, मुझे भी खुद नहीं मालूम कैसे ये कीड़ा मेरे दिमाग में घुस गया कि मैंने फिल्म एक्टर बनना है. तो लंदन में जब जिधर हमारी रहायश थी ना, वहाँ 3 थिएटर थे, एक मिलिट्री में था और एक पीस में था और एक जलंधर शॉन में था. तो मतलब रोज ही कहीं ना कोई मिलिट्री में, तो मतलब वो मिलिट्री ट्रक ले आता था, उसके प्रोजेक्शन रूम थे, ओपन स्पेस पर फिल्में लगती थी. यानी कि तो क्या खाना खाना और सीधा चेयर पर बैठना और फिल्म देख लेनी, यानी कि मतलब रुपी की 3-4 फिल्में रोज मैं देख लेता था. वो कभी नहीं सोचा था कि मुझे शौक, ये शौक पड़ा जब धर्मेंद्र जी की फूल और पत्थर फिल्म रिलीज हुई ना, 1967 और जस्ट अर्ली 68 में. तो मैं ये फिल्म पता नहीं कोई 25-30 बार देखी होगी, यानी कि. और अचानक मेरे पगड़ी रखी थी, जूड़ा रखा था, दिमाग में आ गया कि मैंने भी ये धर्मेंद्र जैसा काम करना है, फिल्मों में फिल्म बनानी है. और मैंने, फादर ने मुझे स्कूल में छोड़ने जाना सुबह जी. तो मैंने भगोड़ा वहां से होके, मतलब फिल्म में आरियल स्कूल एक जलंधर शोन में थिएटर था, दोपहर का शो, वहां चले जाना देखने ये फूल और पत्थर. और कभी वहां तो उसने देखना, वो टीचर बोलती है आपका बेटा सरदार जी, आप सुबह छोड़ जाते हो ये दोपहर तक अपने, इसके और कुछ सुनता नहीं है इसको, बस ये फिल्मों का बातचीत, दोस्तों के साथ भी वही धर्मेंद्र जी की बातें करता रहता है, ये करता रहता है, यानी कि. और ये पता नहीं कैसे मुझे और कुछ आसपास सोचता नहीं था भी क्या करना है, यानी कि.
ये था कि मैंने फिल्मों में काम करना, यानी कि जी वो ऐसा शौक पड़ा कि जो अभी तक बाहर निकले ही नहीं जाने के। तो लंदन में भी आया, बस मेरी एक ही उम्मीद थी कि मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने काम अच्छा बिजनेस करना है, हार्ड काम करना है, और मुझे वापस चले जाना अपने हिंदुस्तान और जी वहाँ सेटल हो जाना है, और मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो ये मतलब उम्मीदों से, हो सकता है इसी उम्मीद से मैंने बिजनेस किया, जाने के सिर्फ जी वही एक सिर्फ फिल्मों में काम करने का, ताकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ रहूँ और पैसे जेब में हो मेरे, ताकि किसी के ऊपर मुझे डिपेंड ना करना पड़े। तो जी मतलब ये फिर ऐसे था कि काम भी अच्छा चल गया, और यहाँ अपना एलबीसी रेडियो पर सुरेश जोशी होते हैं, अपने जी वो प्रोग्राम किया करते थे 1972 में। तो वहाँ वो मुझे ना एडवर्टाइज के लिए पहुँचे कि सर जी, मेरे पास उस वक्त हिमालय कारपेट की दुकान मेरे पास थी, कि आप नाम मैंने बहुत सुना है, तो मुझे आप अपने स्टेशन पर एडवर्टाइज दो। आस्ता आस्ता सुरेश जी मेरे दोस्त बन गए, कि वो अपने जे ओम प्रकाश जो फिल्म के डायरेक्टर रह चुके हैं, राकेश रोशन जी के अपने फादर इन लॉ हैं, तो उनके वो भी, तो उनके साथ उनकी काफ़ी रिश्तेदारी थी और दोस्ती भी थी। तो जी उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो वैसे बोलते हैं, सर जी, आप तो, यह आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। तो मैंने बोला, यह तो दिल की बात इन्होंने बूझ ली है। तो मैंने बोला, सुरेश जी, ये है जो मेरे शुरू से छोटे होते हुए मेरे दिमाग में घुस गया, और मेरी उम्मीद है कि कोई ना कोई मुझे रास्ता भगवान जरूर दिखाएगा कि मैं ये अपना काम पूरा कर पाऊँ। जी तो काफ़ी सोचा भी, चलो ठीक है। तो शुरुआत उनसे हुई थी, सुरेश जोशी जी के साथ, वही मुझे जी बॉम्बे लेके गए। अच्छा हाँ जी, तो जे ओम प्रकाश जी से भी मुलाकात करवाई। उस वक्त वो अपना आए दिन बहार के फिल्म, मुझे लगता है वो कंप्लीट कर पाए थे, वो दो तीन फिल्में उनकी अपना देव थे, तो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने अपने देखा। तो वहाँ से मतलब बस करते करते ये अपना शुरुआत की। जी तो आप शादीशुदा थे जब आप पिक्चर्स में आए या उसके बाद में आए? हाँ जी, मैं, मेरी शादी ना काफ़ी अर्ली एज पर हो गई थी, आई वॉज 19 years old, 19 साल की उम्र थी जब जी मैंने शादी मेरी हो गई थी। हाँ जी, जी अब जी मैं स्कूल से, स्कूल में से मैंने अपना वाइफ को वैसे मुलाकात हो गई, प्यार पड़ गया और आपने शादी कर ली। जी तो उन्होंने इजाजत दे दी आपको बॉम्बे जाने के लिए? हाँ जी, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उनको मालूम क्योंकि मैं जिद्दी था, और मेरे उनको मालूम जी कि ये की तमन्ना एक ड्रीम है शुरू से, जी जो मैंने उनको बता दिया था शुरू से, जी कि ये शुरू से एक ऐसा दिमाग में आ गया कि मैंने ये काम पूरा करना है, आए जी जो मर्जी हो जाए। तो जी उसने काफ़ी सेक्रीफाइस किया, उनको उन्होंने बोला था कि अगर मैं ना बोलती हूँ तो फिर नाराज़गी होगी, अगर हाँ बोलती हूँ तो फिर थोड़ा सा ठीक होगा यानी कि काम। तो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं किया, तो उन्होंने खुद मुझे बोला, यस दिस इज योर ड्रीम एंड यू मस्ट फुलफिल इट। जी। तो आपकी जो पहली पिक्चर थी जो आपकी किसके निर्देशन में थी और कहाँ पर शूट हुई? क्या बॉम्बे में शूट हुई या लंदन में शूट हुई? उसका नाम क्या? हाँ जी, ये सारी जो फिल्म मेरी ना, अपने मंजू जी, पहले जो फिल्म मैंने चालू की थी वो ही थी तकदीर के शहजादे, उसमें नील तजानी डायरेक्टर था और विजय सिंह भाग्यश्री के पिताजी, जी उनके साथ चालू की थी। बीच में जाकर थोड़ी सी वो स्टोर हो गई, तो सम ड्यू टू सम प्रॉब्लम, जी तो वो मैंने फिल्म, तो राजेश जी उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे अंडर जी तकदीर के शहजादे। हाँ, तकदीर के शहजादे हैं। जी तो इनके साथ मेरी दोस्ती बढ़ गई, बहुत अच्छे थे और मिलन जोग थे, तो इनके साथ थोड़ा बैठना हो गया, थोड़ा शाम को आ भी जाते थे मेरे होटल में, मैं अकेला रहता था, तो इन्होंने साथ भी पूरा दिया। जी इन्होंने मुझे, मैंने बोला कि राजेश जी, मैं तो मुझे इतना मालूम नहीं है, प्रदेश है मेरे लिए तो बॉम्बे ना, मेरा जी यहाँ पर, तो जो विजय सिंह और
इनकी जो डायरेक्टर की थोड़ी सी पॉलिटिक्स चल रही है ये ठीक नहीं है जाने के, तो अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म मैंने फिर शेल्फ करनी पड़ी मुझे। तो वो नहीं जाए, वो बनी नहीं नहीं आज। बनी फिल्म वो, मतलब बहुत अच्छी फिल्म थी कंप्लीट, मतलब ड्यू टू सम मतलब डायरेक्टरशिप वो ना फिल्म मैंने जी छोड़ दी। तो फिर अच्छा, मैंने अरिजीत जी से बोला, अरिजीत जी फिल्म तो बनानी बनानी है, क्योंकि मैं अगर लंदन से यहाँ आया हूँ सबको मालूम कि सरजीत फिल्म बनाने गया है बॉम्बे में, और सबको मालूम कि इट्स नॉट इजी टास्क, जी बड़ी जाकर बातें करनी और फिल्म बनानी बहुत बड़ी बात है जाने की। बात जी। हाँ जी, तो मैंने अरिजीत जी से बोला भी देखो ऐसे हो गया ये फिल्म तो हमने कर, तो इन्होंने बोला आपको कोई एतराज है अगर मैं डायरेक्ट करूँगा आपके लिए फिल्म, तो गाने भी अच्छे हैं तो स्टोरी भी अच्छा, राइटर भी अच्छा देते हैं। जी मैंने बोला चलो ठीक है। तो ये फिर अरिजीत जी के साथ मैंने यह फिल्म नजर, जी तो इस पिक्चर नज़र के बारे में हम बात करते हैं आपसे सुजीत जी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं कहीं, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कहते हैं वक्त, दोस्त और रिश्ते मुफ्त में मिल जाते हैं, पर इनकी कीमत का पता तब चल जाता है जब हम इन्हें खो देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें कैसे संभाल के रखते हैं। और जैसा कि हम जुड़े हुए हैं लंदन से सुरजीत सिंह पैंथर जी से, दोस्त मिला इन्हें राजेश भट्ट, जैसा कि अभी इन्होंने कहा। और तो वो आज आज भी दोस्ती कायम है, और आपकी उन्होंने पिक्चर्स डायरेक्ट की, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको संभाल के रखा हुआ है। तो दूसरी पिक्चर के बारे में बताइए अब हमें। वो मंजू जी ऐसे है कि नजर के बाद जो मेरा छोटा बेटा था जसविंदर, तो जी उनको भी वैसे शौक पड़ गया मुझे देखते थे मेरे साथ। वो जब मैं तकदीर के शहजादे मैं शूट कर रहा था तो वो मेरे साथ था कुल्लू मनाली में, जी तो उसकी मैंने क्लिप्स बड़ी साम के रखी हुई हैं। जी तो मेरे मेरे साथ वो कम से कम साल की मतलब छुट्टियों में जब जाता था तो 1 महीना फिल्म में तो वहाँ मेरे साथ ही था जाने के। तो जी जब वो यहाँ स्कूल में जब प्राइवेट स्कूलिंग थी उसकी, वहाँ वो ड्रामा क्लासेस मैंने उसको ज्वाइन करवाया, और जी एक लंदन भी उसको क्लासेस वगैरह में स्टार्ट किया। तो जी वो शौक उसके था, तो वो बेचारा 10-12 उम्र साल का था, डैड मुझे भी हीरो बनना है, जी और कराटे वगैरह मार्शल आर्ट अभी उसके पास ब्लैक बेल्ट, उसने क्वालिफाइड किया ब्लैक बेल्ट में, जी तो मार्शल आर्ट भी स्टार्ट किया। फिर जी मैंने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि अगर इसमें बेटा अपना शौक है इसमें तो पूरा इसका भी शौक करें जाने के। उसके जी बाद फिर मैंने उसकी उनकी 3 फिल्में बनाई जाने के, जी अपने इंडियन, बेटे के लिए हाँ जी इंडियन बाबू, जी तो फिर अपना रब ने बनाई है जोड़ियाँ, अच्छा जी, और शिकार रब ने बनाई है जोड़िया इन पंजाबी नहीं वो, हाँ नहीं हिंदी में थी, रब हिंदी ने में। बनाई जो जोड़ियाँ थी अच्छा हिंदी अच्छा में फिल्म थी अपनी, काफ़ी जी अच्छे आर्टिस्ट थे, और जो इंडियन बाबू थी वो भी अच्छी थी, हाँ जी वो भी बनाई और लंदन में शूट की उसकी, काफ़ी बहुत 80% लंदन में हमने एक्सपोज किया सारा उसका, जी और स्विट्जरलैंड में गाने की है। तो नजर पिक्चर में आप हीरो थे या आपके साहबजादे? नहीं मैं हीरो था, हीरो तो मुझे शौक था शुरू से बनना है, फिल्मों में काम करना है तो तो नजर के बारे में आप बताइए कि वो कैसी रही पिक्चर, और आपकी हीरोइन कौन थी, कौन कौन आपकी सबकास्ट थी उसमें? वो उसमें ना मतलब साउथ इंडियन की हीरोइन थी मूलिया जी कर लड़की थी, जी और काफी अभी अपने प्रेम चोपड़ा भी था उसमें, काफी जी आर्टिस्ट थे जाने की लोग उसमें, जी और ज्यादा हमने मद्रास और अच्छी सी लोकेशन में अपने ऊटी में शूटिंग की, जी काफी शूटिंग की। तो इसको भी आपके दोस्त ने डायरेक्ट किया है, राजेश जी ने? राजेश जी ने शुरुआत राजेश जी ने की है और जी उन्होंने कंप्लीट जी
फिल्म बहुत अच्छी, डायरेक्टर बहुत अच्छी, यानी कि गाने बहुत चले जाने के। कैसा रहा रिस्पॉन्स, अच्छा रहा उसका? रिस्पॉन्स देखो, ये फिल्म एवरेज थी चली जाने की, जी क्योंकि फिर वहाँ कामयाब होना एकदम तो मुझे लगता बहुत मुश्किल है। कोई भी हिस्ट्री देखो सब इतना, आर्टिस्ट। हाँ जी ये हाँ बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि आपने वहाँ पिक्चर बनाई विदाउट बॉलीवुड और उसमें जाकर, तो इसके लिए सल्यूट करते हैं हम आपको। बिल्कुल। तो फिर आपकी दो पिक्चर बनी, उसके बाद आपने अपने बेटे को ले पिक्चर बनाई, हाँ जी हाँ तो उसकी जो रब ने बनाई हैं जोड़ियाँ, हाँ जी हाँ जी तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी हाँ। ये ना अपने मेरे दोस्त हैं अपने दर्शन बग्गा, जी उन्होंने 2-3 फिल्में पंजाबी की बनाई हैं पहले, और जी काफ़ी बॉलीवुड में लिंक है, जी तो उनसे भी मुलाकात ऐसे रास्ते रास्ते में जाते दोस्तों के थ्रू होगी, जी तो मुझे लगा अच्छा। उन्होंने बोलता सुरजीत जी मेरे पास एक स्टोरी है, जी उन्होंने स्टोरी लिख बोलता काफ़ी अच्छी स्टोरी है, और तो अच्छे राइटर भी उन्होंने लिए मेरे लिए जी अपने, उनको उनको बोला, मैंने बोलता मैंने डायरेक्ट करनी है आपके लिए फिल्म, तो मैंने भी बोला ठीक है, क्योंकि वो 3-4 फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे पहले। जी तो अभी आपके जो सपुत्र हैं साहबजादे, वो अभी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कि बिजनेस से जुड़े हुए हैं कि दोनों तरफ से हैं? अभी इंडस्ट्री से नहीं वो जुड़े, क्योंकि वो भी वहाँ ना यहाँ से जाकर वहाँ सेटल होना, फिल्में बनानी मंजूरी लिए, मुझे लगता है लाखों में एक ही कामयाब हो सकता है सर बताओ। नहीं, नो आप मैं कामयाब हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से जाके वहाँ बनाना 10 लाट ऑफ वर्क, और ये नहीं है, ना कामयाबी वाली बात नहीं है। पर वैसे मैं पूछूं कि वो अभी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कि भाई किसी और प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के अंडर में वो काम करें? अभी सिर्फ है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, यानी कि कोई राजेशी पूरी कोशिश कर रहे हैं कोई मतलब सब्जेक्ट ढूंढने के लिए अच्छा, तो थोड़ी सी इंडस्ट्री भी चेंज हो गई है टाइम टू टाइम, काफ़ी अभी इंडस्ट्री हो गई तो सारा दिन है। जी। तो दूसरी पिक्चर कौन सी थी आपकी? तकदीर के शहजादे आई नहीं, फिर उसके बाद आपकी पिक्चर आई नजर, उसके बाद तकदीर के आपकी दो पिक्चरें रिलीज हुई हैं कि एक ही पिक्चर रिलीज हुई? एक नजर। अच्छा, उसके क्लिप्स हैं आपके पास तकदीर के शहजादे की, या कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस आप? वो VCR वीडियो जी मैंने जी रखी जी पूरी जी जी संभाल के रखे हुए। डेटा तो कैमरा। फिर आपकी तीसरी पिक्चर जो थी वो थी रब ने बना दी जोड़ी, जो आपने अपने बच्चे के लिए बनाई, और उसके बाद फिर नहीं उसके बाद मैंने जो इंडियन बाबू बनाई बेटे के लिए, इंडियन, नजर के बाद अच्छा मैंने इंडियन बाबू बनाई, जी लॉरेंस लॉरेंस डिसूजा था उसमें डायरेक्टर, जी ने उन्होंने काफ़ी एक तो फिल्में काफ़ी दी हैं, यानी कि उन्होंने नदीम शर्मन जी का म्यूजिक था, जी तो अपने अच्छे जन के उसमें कलाकार थे जन के सारे। जी उसके बाद इंडियन बाबू के बाद मैंने फिर वो बनाई शिकार, वो भी शिकार, शिकार। हाँ जी, हाँ जी, तो तीसरी फिल्म मैं अपने रब ने बनाई है जोड़ी में। अच्छा जी। हाँ जी एक पिक्चर आपकी कान फेस्टिवल में गई थी, मैंने सुना था, बात हो रही थी, तो हाँ उस जी, पिक्चर का क्या नाम था? वो है कौन कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया? वो अच्छा ने अपना वो ये इन्होंने डायरेक्ट की है, तो अच्छा मुझे उस फिल्म में लंदन में इन्होंने शूटिंग की थी और मुझे रोल दिया उस फिल्म में, जी, काफी फिल्म को कामयाब हुई। कामयाब हुई। हाँ जी और उसके सब आर्टिस्ट कौन थे उसके साथ? आपका आपका बेटा हीरो था, और हीरोइन कौन थी उसमें? हीरोइन का राजेश ने कोई लोकल था बॉम्बे जी का, तो जी उसमें मुझे पार्ट दिया था राजेश ने साइड अपने सेकंड अच्छा जी, रोल अच्छा बना। अच्छा जी। और ये जब आपको पता चला कि ये कान फेस्टिवल में चली गई है, तो कैसा लगा? क्योंकि बहुत अच्छा लगा, बहुत यानी कि छोटी बात नहीं है अपना जाना, तो काफी अच्छा लगा कि जिस राजेश ने मेहनत की है, क्योंकि ये बहुत काफी मेहनत है इन्होंने कामयाबी जी करते मतलब अच्छी हासिल किया और नाम भी हासिल किया, यानी कि बहुत अच्छा लगा। मुझे ये बताइए सुजीत जी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपके इस सफर में जरूर कोई खट्टी मीठी, कोई
बातें हैं जो कई बार अपने दिल को छू जाती हैं, जहन में चली जाती हैं, वो निकलती भी नहीं है। और कभी इंसान कभी बैठा होता है तो सोचता है कि अरे ये ऐसे मेरे साथ, ऐसी कोई स्टोरी या कोई सच्ची कहानी जो आपके दिल को छू गई हो, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? है तो सही, मतलब यही है कि जी मैंने जो एक दो तीन दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट किया और दो धोखा खाया और वो मुझे अभी तक भी भूल पा रहा है क्योंकि उसके लिए तो ये ना, रहने दो मुझे इन अंधेरों में गालिब, कम कम वक्त रोशनी में अपनों के चेहरे नजर आ जाते हैं। तो जी बताइए आप। तो उस मैंने तो वैसे अभी उसके बाद मैंने सनी देओल जी को भी मैंने साइन किया एक फिल्म में जी लंदन में। हाँ जी जी, तो उन्होंने हाँ कर दी अपने भी, मैं सब जी जी आपके लिए फिल्म करूँगा। हाँ जी, जी तो करते करते उन्होंने कोई अपनी होम प्रोडक्शन चालू की, तो उसमें उनका काफ़ी वक्त लग गया, 3-4 साल मुझे लगता है गुजर गए मेरे उसी अपनी उम्मीद में कि ये सनी देओल जी मेरे साथ, दो हीरो का सब्जेक्ट था, जी ऑपोजिट मैं था उनके साथ। उन्होंने देखा कि यस सभी जी फिल्म से बना चुके हैं जी और फिल्म बनाना सब पता चल जाता कि फिल्म पर्दे पर लानी बहुत बड़ी बात है, जी बस वो कामयाबी होनी ना होनी ये किस्मत की बात है। तो जी उन्होंने सनी जी ने मतलब 3-4 साल काफ़ी टाइम गुजरते गुजरते, तो उनका फिर बाद में बोलते हैं सर जी जी मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने साइनिंग नोट भी उनको दे रखा था काफी बड़ा, तो जी उसके बाद मुझे धर्म जी का फोन आया, जी बेटा ये मुझे मालूम है कि सनी जी को आपने साइनिंग नोट दिया है और जी आप ऐसे मांग रहे हो कि दूसरा आप प्रोजेक्ट चालू कर सको किसी के साथ, मैं समझता हूँ, तो मुझे आप थोड़ा सा वक्त दो तो मैं आपके साइनिंग नोट आपको वापस दे दूँ। जी तो उन्होंने मतलब वही अपना वादा नभा दिया पूरा, मुझे तीन जी चार में मेरा साइनिंग नोट जो मैंने दिया था जी वो वापस कर दिया जाने के। तो उसके जी बाद मैंने ये अपने रब ने बुलाइयां जोड़ियां अपने जी बेटे की फिल्म बनाई। जी तो अगर ये पिक्चर्स जो हैं ये नेटफ्लिक्स पे हैं या किसी, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं अगर हमारे दर्शक देखना चाहें? जा सकती हूँ सब जगह, अब इंडिया में तो थिएटर में सिनेमा में आम लगती हैं, अरिजीत सिंह मुझे क्लिप्स भेजते रहते हैं जी काफी चलते रहते हैं, यहाँ यूट्यूब पर जाएं चारों फिल्में आपको आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा देखिए, माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सारी फिल्में एक जैसी होते हैं, पर कौन सी ऐसी पिक्चर थी जो मतलब आपके दिल के बहुत करीब है? मेरी जो मेरी फिल्में आप चार, आपकी आपकी पिक्चर्स हैं? मुझे इंडियन बाबू बहुत अच्छी लगी, उसकी पिक्चराइजेशन और बेटे का काम, जी मतलब बहुत मैं बार बार उसके गाने भी सुन लेता हूँ अगर मैं अकेला हूँ, तो काफ़ी अच्छी लगी वो मुझे। तो जी उसके बाद मुझे नज़र जो अरिजीत सिंह ने डायरेक्ट किया है उसके गाने बहुत अच्छे हैं, जी उसका वो भी गाने मुझे पिक्चराइजेशन जी काफ़ी लगी है। जी अभी अभी क्या है आपका कोई आगे का कोई प्रोजेक्ट है आपके जहन में कि मैं इसको लेके चलूंगा, या अभी आप थोड़े दिन ब्रेक लेंगे या लास्ट अभी पिक्स? जी अभी तो थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि फिल्म इंडस्ट्री इतनी चेंज हो गई है अभी, और जो मेकिंग कॉस्ट भी बहुत बढ़ गया है, एक्सपेंस जी काफ़ी बढ़ गया है, ये सब मतलब देखते देखते अभी अरिजीत जी से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ अपना लॉन्च करें। आपको नहीं लगता कि ये जो टीवी सीरियल्स हैं ये थोड़े छोटे बजट के होते हैं और बड़े अच्छे चलते हैं, मतलब लोग पागल हुए हुए हैं उनको देखने के लिए, और लेडीज और बड़े बूढ़े बच्चे सब आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं, तो कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपके जहन में है कि हम हिंदी का कोई ऐसा सोप ओपरा शुरू कर दें जो चलता रहे? ये अच्छा किया गया, मेरे दिमाग में नहीं था वैसे, अच्छा ये सजेशन है वैसे, तो जी मतलब काफ़ी देर जैसे टीवी सीरियल काफ़ी कामयाब है जी जी उसमें, तो तो ध्यान देने उसमें के लिए लागत कम है
और वो सालों साल चलता रहता है, क्योंकि थोड़े से उसमें आधे घंटे के शो के अंदर फिर दूसरे दिन लोग बैठे रहते हैं कि आज ये देखेंगे आज ये देखेंगे। अच्छा मुझे आपसे एक बात और करनी है कि आपका एक ही बच्चा है कि आपके कितने बच्चे हैं, मतलब दो बेटे हैं एक बेटी है। दो बेटे, तो दूसरे बेटे के जहन में भी ये है कि उसको भी हीरो बनना है कि? नहीं, वो अपना ही इज ए मोर ऑफ ए सोफिस्टिकेटेड, उसने अपना लॉ की स्टडी की है जी एंड उसको मतलब फिल्मों का बिल्कुल शौक नहीं है। हाँ जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप भी देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं लंदन से सुजीत सिंह पैंथर जी के साथ, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इनसे। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं कहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं फिर, लंदन की सैर करवाते हैं आपको, जुड़ते हैं सुजीत सिंह जी से। सुजीत जी, जैसा कि बात हम करें तो आपका दूसरा बेटा बिल्कुल भी अलग है, वो इसमें नहीं आना चाहता। एक बेटा आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता है, और तो आप उनको उनकी लाइन में जाने दे रहे हैं उनको। ये आपके, ने आपने बताया था आपके तीन भाई हैं, तो तीनों में से सिर्फ एक ही आप ही हैं जो फिल्म लाइन में जाना चाहते थे कि कोई और भी? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, उनमें ये मतलब बच्चों जी बात ऐसे है कि सबको तो पंजाब में अपने जिधर से आए हैं शौक फिल्मों का होता नहीं है, नहीं काम क्या जी है जी ये, जी तो जी क्या भगवान की दया से पता नहीं कहाँ से ये मेरे दिमाग में घुस गया कि मुझे फिल्म एक्टर बनना है। तो कभी सोचा नहीं था कि मतलब ये इतना कठिन काम मैं कर पाऊंगा, सब बताऊंगा। कभी आपके फादर ने डांट नहीं लगाई कि सारा कुछ छोड़ के कैसे इस तरफ चल रहे हो? या कभी आपके फादर कहीं जहन में तो नहीं था उनके दिमाग में भी कुछ? ये सच बताऊं उनको ना बहुत दुख लगा, मतलब बड़े परेशान थे कि मैं एक बिजनेस भी मैंने चालू कर लिया था अपना, शादी भी मेरी हो चुकी थी और बड़ा बेटा भी मेरा पैदा हो गया था, तो वो सोच रहे थे पागल क्या कर रहा है। उनको ये मालूम था कि मैं जिद्दी बहुत हूँ और जब तक मैं कोई काम जो दिल में सोचा ना कर पाऊँ, बेशक गलत हो सही हो, तो मैं वापस नहीं आता। तो उन्होंने उनके चेहरे पर कई बार आंखों में थोड़ा थोड़ा मैंने आंसू भी देखे कि ये छोड़ के जा रहा है, इसको कोई मालूम नहीं कि बम्बे कहाँ पर है, कभी जलंधर से लुधियाने तक कभी दिल्ली पास नहीं की। तो ये बम्बे की ड्रीम कर रहा है यानी कि, तो सच बताऊँ उन्होंने काफी अपना दहाया, पर उनको मेरी वाइफ ने बोला कि ये जब तक कुछ एक कर नहीं पाएगा ये हटेगा नहीं, ये तो सबको तंग करता जाएगा और कहीं ना कहीं ये शाम को अपने को थोड़ा सा अभी खुली छुट्टी दे दो, देखते हैं क्या करता है जाने। जी, तो अभी हम बात करते हैं आपकी जो पिक्चर कान फेस्टिवल में गई थी, कौन है जो सपनों में आया, हाँ जी इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं, इनके डायरेक्शन के बारे में, और कहाँ कहाँ पर ये शूटिंग हुई, और कौन कौन किरदार थे इसमें, इनके बारे में अगर आप। किरदार तो सच बताऊं मुझे अरिजीत सिंह को ज्यादा मालूम होगा क्योंकि काफी बड़ी फिल्म थी, काफी इनमें थे, ज्यादा जी अरिजीत सिंह ने लंदन में यूके में काफी इसको शूटिंग के शूट लिए किया किया, जी स्कॉटलैंड में और जी लंदन में, और मेरे जो दोस्त थे उनके घरों में भी काफी शूटिंग की है इन्होंने, जी और जी यहाँ फार्म्स में और लंदन के सिटी लंदन में काफी शूटिंग की इन्होंने। आपका कहने का मतलब है कि सारी शूटिंग जो है उसकी लंदन में ही हुई है हाँ जी? तो आपका बेटा इसमें नहीं मेरा बेटा नहीं, मैं हूँ उसमें। कौन है जो सपनों में आया उसमें आप हैं? हाँ बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये तो एक मिसाल बन गया, जिंदगी या लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गई कि आपका, आप उसमें हैं और वो पिक्चर कान फेस्टिवल में चली गई। इसके बारे के कुछ खट्टे मीठे कुछ एक्सपीरियंस हैं आपके साथ जो शेयर करना चाहते हैं? मीठे एक्सपीरियंस तो यह है कि जीएसटी बहुत अच्छे डायरेक्टर, वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन है, जी वो जब यूनिट अच्छी हो तो आर्टिस्ट जो काम करने वाले उनको
मुश्किल बहुत कम पड़ती है और आपको ख्याल से नहीं मिलता कि कोई ऐसी मीठी खट्टी मीठी बात हो जाए। जी तो किसी ने मतलब अपना जो यूनिट लेके आए थे बहुत कामयाब इनकी यूनिट थी, और कोई आर्टिस्ट को मतलब ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि हम शूटिंग कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। वह जी तो आस्ता आस्ता ऐसे ही अपना उन्होंने मजाक में अपनी पूरी फिल्म कंप्लीट कर दी है। ये पिक्चर्स के नाम आप खुद चुनते हैं या कोई पीछे आपके राइटर्स हैं? बड़े अच्छे अच्छे नाम जो भी आपने बताए, हाँ जी बहुत ही खूबसूरत नेम है ये सारे, तो ये इसके पीछे कोई है कि आप ही के जहन में आता है ये? नहीं, सच बताऊँ मैंने कोई नाम नहीं चुना फिल्मों का। ये मुझे जी लगता है राइटर या जो डायरेक्टर होते हैं वो बैठते हैं जब अपने दोनों इकट्ठे होते हैं तो फिर वो गानों में से ऐसे मतलब जब गाने भी बनते हैं तो फिर कोई ना कोई नाम निकल आता है भी ये फिल्म का नाम इस पे चलेगा तो स्टोरी पूरी भी लगेगी, यानी कि इसके पीछे स्टोरी भी सेट हो जाएगी और गाने भी इसके साथ चलेंगे। जी तो स्टोरी जब आपको बताई गई है, आपकी जो पिक्चर कान फेस्टिवल में गई है, तो इसके राइटर ने जब आपको स्टोरी बताई, तो आपको कैसा लगा कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है और बहुत जाएगी ऊपर? कई बार क्या होता है कि हम जब किसी एक चीज़ को पढ़ते हैं या लिखते हैं ना, तो फटाफट दिमाग में आ जाता है ये बहुत ब्लास्ट है, ऐसा कुछ आपके जहन में आया? मुझे बड़ी बात तो यह है कि डायरेक्टर इसकी इन्वॉल्वमेंट स्टोरी में बहुत रहती है। जब जी तक डायरेक्टर और राइटर दोनों बैठकर एक स्क्रिप्ट तैयार ना कर लें और एक अपनी विजनरी कॉन्सेप्ट ना तैयार कर लें तो जब तक आप आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो आर्टिस्ट से बात करते कि ऐसी ऐसी स्टोरी है सर जी, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है और ऐसे गाने हैं। तो फिर जी मतलब आपको आपकी इंटरफेरेंस मतलब आपको जब लगता है कि यस अगर डायरेक्टर और राइटर ने काफ़ी इस पर काम किया है, मेहनत की है, उनकी जो अपनी विजन है बिल्कुल सही है, तो फिर आप उनको साथ आपको चलना पड़ता है। जी जी तो देखिए, जैसा कि हम जुड़े हुए हैं लंदन से, और एक 16 साल का बच्चा अपने सपने लेकर लंदन में आता है, और वो हर एक अपने उस ड्रीम के साथ खेलता हुआ आगे चलता है और कामयाबी के रास्ते पे पहुंच जाता है। आप अपने कामयाबी के सफर के कोई एक्सपीरियंस जो कि आपको, कि हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं कि मेहनत करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, कुछ भी जो आपके जहन में है, कुछ ऐसे टिप्स यंग यूथ को देना चाहते हैं? और बड़े अच्छे फादर हैं आप, क्योंकि आपने अपने बेटे को समझा और आपने उसको कहा कि चल ठीक है, मैं तेरे पीछे हूँ, अगर यू आप भी इस लाइन में जाना चाहते हैं। आजकल क्या होता है कि माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटे को डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए या वकील बनना चाहिए, तो अभी आपका इन फ्यूचर में क्या आपका प्रोग्राम है आपको अपने बच्चे के लिए, क्या आप करना चाहते हैं? और ये कोविड पास होना चाहिए, कोविड के ऊपर क्या असर पड़ा है इसका, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये आपने जो पहला सवाल पूछा है कि ये जो कामयाबी है ना, जबकि ये मैं तो कहता हूँ कोई काम भी करना आपको ना सिंसियर और सिंसेरिटी से करना चाहिए। जी बेशक काम छोटा हो या बड़ा हो, जब तक आपको एक लगन दिल से आप अपनी सिंसेरिटी से काम नहीं करते तो कामयाबी आपको हासिल नहीं होती। जी और दूसरी बात है, कोविड तो अभी सब जगह अफेक्ट कर रहा है, सच बताऊं बिजनेस भी अफेक्टेड है, यहाँ पर जी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री पर डिफरेंट डिफरेंट अफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि जी जैसे अभी शुरू से आपने बोला कि आपकी फ्लाइट्स चल रही हैं लंदन से न्यूयॉर्क सब जगह चालू हो गई हैं, पर जी यहाँ हीथरो से यूरोप में फ्लाइट्स या इंडिया से फ्लाइट्स की काफ़ी अभी बंदिश है। जी यहाँ मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट अफेक्ट पड़ रहा है, और यहाँ जो ट्रेवल या अपने होटल्स हॉस्पिटैलिटी लेजर से वो काफ़ी बिल्कुल शट डाउन ही समझो आप एक किस्म के। जी तो वी आर एक मतलब ये यहाँ लॉकडाउन में एक ही एडवांटेज रही है, जैसे मेरा जो बिजनेस था जी DIY स्टोर सब खुले रहे लॉकडाउन में, जी जितने स्टोर थे तो उसमें जो लॉकडाउन में घरों वालों को टाइम मिला कि डेकोरेट करने का, ये काम करने का, ये काम करने का, और जी उसके पास जो हमारा फ्लोर कवरिंग का बिजनेस है तो
जब आप कोई डेकोरेट करते हो तो बोलते हैं यार चलो कारपेट भी डाल लेते हैं, बेड भी नया डाल लेते हैं, फर्नीचर भी डाल लेते हैं। तो उसकी वजह से मतलब भगवान की कृपा से हमारा बिजनेस मतलब 100% से भी ज्यादा 3 महीने चला। मतलब बेशक बंद रहा पर काफी हद तक, क्योंकि लोगों ने लॉकडाउन में अपने घर घरों को पेंटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, सारा कर ले जाने की। तो जी। ट्रेवल एजेंसी को वहाँ यहाँ बहुत फर्क पड़ा है, होटल्स वालों को बहुत फर्क पड़ रहा है, तो रिटेल जो हाई स्ट्रीट दुकानें हैं उनको काफी स्लो डाउन है यहाँ पर बिजनेस। जी। अभी और आपका, आपके बच्चे के बारे में हम पूछेंगे, उसका कोई प्रोजेक्ट नया आप शुरू करने वाले हैं और वो क्या कर रहे हैं आजकल? अभी तो देखो वो दोनों बेटे मेरे साथ हैं मेरे बिजनेस में, जी हमारा कारोबार है छोटा सा प्रॉपर्टी का और कारपेट का बिजनेस जो है दोनों साथ में हैं। जी तो अभी जैसे बोला कि अभी राजेश जी से वैसे बात होती रहती है भाई जी कोई सब्जेक्ट अच्छा ढूंढें, हाँ जी। तो जी ये सिर्फ किस्मत की बात है, जब अपॉर्चुनिटी मिली और चांस मिला तो जरूर जी इसको मतलब फिल्म बनाएंगे एक और। एक और अभी है आपके जहन में हाँ अभी जी पिक्चर और हाँ हाँ बनाने के लिए? हाँ जी जी, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है सुजीत जी, और बताया कि कैसे कैसे आपके कि दिमाग में जो है या आपके दिल की जो है हर इच्छा को पूरा कर लेना चाहिए, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, उससे पीछे मत हटिए। जिनकी एक मिसाल खुद सुरजीत जी हैं। आप देखिए, 15 साल का एक बच्चा, 14-15 साल का आता है, छोटे छोटे काम करते करते बड़े काम तक इस मुकाम पे पहुंचा है कि दुनिया उनकी तरफ यूँ आंख उठा के देखती है। तो ये उनका मेहनत है, उनकी कामयाबी ही उनकी मेहनत है। उन्होंने किसी काम को ये नहीं देखा कि ये छोटा है या बड़ा है। तो और कुछ जाते समय की बात करते हैं, तो समय बहुत बलवान है और फटाफट निकल गया, 1 घंटा में हमें पता तक नहीं चला। आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं दक्षिण ये मुझे यही कहूँगा कि कोई भी आप काम करते हो, जब आपको कोई शौक है ज़िंदगी का जी तो पूरे दिल से करो जी और हौसला मत हारो। जी हाँ जी, क्योंकि तो तकलीफें तो आती हैं हर एक काम में, कामयाबी एकदम तो मिलती नहीं। जी जी एक भगवान पर भरोसा रखो और अपनी पूरी मेहनत से काम करो और सच्चाई जी से काम करो तो आपको जी सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। जी आपके लिए हम जरूर कहेंगे कि मांगी थी दुआ हमने रब से, मांगी थी दुआ हमने रब से, देना मुझे दोस्त जो हो, जो अलग हो सबसे, मैं देना मुझे वो दोस्त जो हो अलग सबसे, उसने मिला दिया आपसे और कहा, उसने मिला दिया आपसे और कहा संभालो ये, इसे ये अनमोल है सबसे। इसके बहुत साथ ही आपसे विदा लेते हैं, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपके टाइम का, आपके समय का, और फिर थैंक मुलाकात होगी। इसके साथ ही आप लोगों से भी हम विदा लेते हैं। खुदा हाफिज, शब बख़ैर, और देखते रहिए एक मुलाकात।